हम लगातार दावा करते हैं, लेकिन आज के समाचार पत्रों में जो कलई खुली है, जिसमें कहीं न कहीं पटना के सरकारी स्कूलों में सप्लाई वाटर के सहारे बच्चे को रहना पड़ रहा है, गंदे नल के पानी से, पानी पीने से रोगों से संक्रमित हो रहे हैं लोग, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, तो इसलिए हमने शून्यकाल में यह प्रश्न उठाया था और हमने हवाला भी दिया था समाचार पत्रों का कि एक तरफ तो गंदा पानी मिल रहा है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में जो शौचालय की व्यवस्था है उसमें कई शौचालय बंद रहते हैं, उसमें कई विद्यालयों का भी हमने उदाहरण दिया है, भंवर पोखर के विद्यालय का उदाहरण दिया है। तो हम शिक्षा विभाग से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच कराई जाए और उसकी व्यवस्था में जितनी जल्दी हो सके सुधार होना चाहिए। ये बांध टूटने का आपने मुद्दा उठाया, करोड़ों रुपये खर्च हो गए बांध टूट गए। देखिए 24 करोड़ के लागत से बागमती के बांध में निर्माण कार्य हुआ था वर्षों पहले, फिर विगत 30 जून को 1.5 करोड़ रुपया लगा के उसकी मरम्मति की गई थी, लेकिन कल दिन में 40 फीट वो बागमती का बांध टूटा है। इसको हमने सूचना में लाया था, सरकार ने इसकी तहकीकात कराने का आश्वासन दिया है। ऐसे खर्च हम जनता के हित में सवाल करते हैं, सरकार भी कहती है कि जनता के हित का विधायक ध्यान रखें, तो हम लोग जनता के हित के सवाल पर विषय को खड़ा किया। क्या इस बार का जो सदन है, जो मानसून सत्र है, क्या विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है? क्या लोकसभा के हार के बाद बैकफुट पर है विपक्ष, सरकार को घेरने में विपक्ष नाकाम है? विपक्ष नेतृत्वहीन हो गया है। जिस सार्थक विपक्ष की अपेक्षा जनता को रहती है अपने राह से भटका हुआ रही है।